अलग लोग, अलग अलग दुनिया में रहने वाले। कौन सी चीज उन्हें साथ ला सकती है? इत्तेफाक? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जब बात प्यार की हो रही हो तो इत्तेफाक जैसी कोई चीज नहीं होती। तुम यहां? मिस सेल्डा। ओह माय गॉड, बुरक मज़रोलू हाई सोसाइटी के एक जाने पहचाने चेहरे रात में औरतों के साथ देखे गए। ओ, मुझे मार के खुश हो गए। सेल्डा मैम, आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम कुछ कहने वाली थी क्या? मैंने आपको एक कुक के बारे में बताया था ना? मिस एमिल, नाइस टू मीट यू। मिस सुकरन आपको सब कुछ बता देंगी। अगर आप सेटिस्फाइड हुई तो कल से आप काम शुरू कर सकती हैं। थोड़े दिनों का ट्रायल पीरियड होगा, अगर सब ठीक रहा तो। जैसा आप कहें। चलो बुरक, ये सब क्या है? कितनी बदबू आ रही है यहाँ। ओह, सो डर्टी। ओह, अब उठ भी जाओ। ओहो, अब उठ जाओ, तुम्हें वक्त का अंदाजा है। बुरक। मॉम, आप इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही है? अभी बताती हूँ तुम्हें क्या कर रही हूँ। तुम फिर से खबरों में हो और ये पहली बार नहीं हुआ है। मेरी तरफ देखो, तुम्हारे डैड ने पता नहीं कितनी बार तुम्हें वार्न किया होगा। अब बताओ, तुम्हारे पास ये कौन लड़की खड़ी है? बस करो गाइस, चलो हटो यहाँ से। मेरी दोस्त है मॉम। दोस्त जैसी दिख तो नहीं रही मुझे। सच बताओ, तुम्हारा और कागला का ब्रेकअप हो गया है ना? नहीं मॉम। तो फिर ये सब क्यों लिखा है इसमें? ऐसी न्यूज आए ही क्यों? पता नहीं तुम कागला को क्या समझाओगे, और पता नहीं मैं उसकी मॉम को क्या जवाब दूंगी। क्या बताऊं मैं तुम्हें, तुमने मुझे डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल दिया। बस करो मॉम, ऐसा कुछ नहीं है। अब जबरदस्ती स्ट्रेस मत लो, वो वोल्कन की गर्लफ्रेंड है। वो वोल्कन की गर्लफ्रेंड है। फिर तो ठीक है, मुझे कितना टेंशन हो गया था। ऐसा मत किया करो प्लीज, मुझे टेंशन मत दिया करो, दिस इज टू मच फॉर मी। नहीं मॉम, वोल्कन हमसे पहले ही निकल गया था और हम उसके बाद निकले थे। जब रिपोर्टर्स फोटो खींचने लगे तब मैं गुस्सा हो गया था। आप वोल्कन को अच्छे से जानती है, वो अंकल से कितना डरता है। वो कार में बैठ के चला गया और। ओ मेरा बच्चा, मेरी जान है तू। उसको बचाने के लिए खुद की रेपुटेशन को तूने दांव पर लगा दिया। वाह। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अदा। गुड मॉर्निंग अनी। गुड मॉर्निंग डैड। इधर जल्दी ब्रेकफास्ट खा लो, हमें निकलना है। मैंने फ्रेंड से प्रॉमिस किया था कि मैं ब्रेकफास्ट के लिए उन्हें क्लब में मिलूंगी। तो ठीक है, चलते। थैंक यू।
क्या बात है, बड़ी जल्दी उठ गए। तुमने अभी तक न्यूज नहीं देखी? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? रात को कुछ हो गया क्या? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही थोड़ा फ्लर्ट कर रहा था। तुझे पता है ना, मैं जब नशे में होता हूँ तो ब्यूटीफुल लड़कियों को मना नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल पता है। अच्छा तो फिर हुआ क्या, उन्होंने तुम्हारा फोटो लेके तुम्हारे साथ बदतमीजी की क्या? मैं और क्या करता, कागला को देख लेने देता। थोड़ा कंट्रोल रख लिया करो ना यार, ऐसे कैसे काम चलेगा। हाँ अभी तो सिर्फ एक ही हफ्ता हुआ है उसे इजमिर गए हुए, और तुम कहते हो उससे प्यार करते हो, ये प्यार है? सिर्फ प्यार की वजह से मैं एक ही लड़की के साथ रहूं? नॉट फेयर ब्रो। एक बात बताऊं, इस बार तो तुम गए। एब्सोल्युटली नॉट। मैं उससे कहूंगा कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। क्या कहा तुमने, मेरी गर्लफ्रेंड? देखो प्लीज मुझे इन सब के बीच में मत लाओ। ला चुका हूं मेरे भाई, चल ऑफिस में मिलते हैं। प्लीज बुराक, बुराक। काम हो गया। आपके लिए कुछ और लेके आओ वेलकम मैम। नो थैंक यू सो मच। शार्ला मैम आपके लिए कुछ? थैंक्स। एंजॉय योर मील। तुम्हारा दोस्त फिर से खबरों में है, देखा कि नहीं? I just can't believe this. क्या हो गया, आखिर बात क्या है? मासारोलू होल्डिंग कंपनी के वारिस हाई सोसाइटी के प्ले बॉय बुरक मासारोलू अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे। एक खूबसूरत लड़की के साथ होटल से निकलते हुए बुरक फोटोज लेते रिपोर्टर्स पर गुस्सा हो गए और झगड़ा करने लगे, और उन सब के साथ मारा पीटी भी की। सब यही देखना चाहते हैं कि ये सब पढ़ने के बाद उनकी गर्लफ्रेंड चार्ला गेंस का क्या रिएक्शन होता है। What does he think of himself, mom? This is too much. Oh, अब शांत भी हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं मॉम, अकेला होता है तो हमेशा ऐसा ही कुछ करता है, मैं हमेशा पास नहीं रह सकती। हो सकता है कोई फ्रेंड हो। आपने ये फोटो नहीं देखा मॉम, क्या ये फ्रेंड्स देखते हैं? बस इस बार सब खत्म, मैं किसी की नहीं सुनूंगी। शांत हो जाओ बेटा, पहले बुराक से बात तो करके देखो। अगर जो तुम्हें लग रहा है वो सच है तो बाद में जो चाहे फैसला करना, पर कुछ भी करने से पहले एक बार शांत दिमाग से सोच कर देखो, समझी? चलो नाश्ता करो। और कुछ हुआ नहीं। तुम देख कर नहीं चल सकते क्या, यू स्टूपिड? एक्सक्यूज मी मैडम, सड़क के बीच में आप चल रही थी। अच्छा हुआ मेरी कार को कुछ हुआ नहीं। तुम्हारी कार? तुम मुझसे टकराने वाले थे और तुम्हें अपनी कार की पड़ी है? क्या तुम्हें जरा भी आइडिया है इस कार की कीमत क्या है? तो क्या? तो ये कि मैडम, ये जो डैमेजेस होते ना वो आप चुका नहीं पाती। मैं चुकाती भी नहीं, क्योंकि मेरी गलती ही नहीं है इसमें। मैडम क्या आपको इतना भी नहीं पता कि सड़क के बीचों बीच नहीं पेवमेंट पर चलना चाहिए? और अगर आपको ये भी नहीं पता तो
मुझे लगता है जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। तुम पागल वागल हो क्या? तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए और तुम मुझसे झगड़ रहे हो। हेलो, माफी मुझे नहीं तुम्हें मांगनी चाहिए। चलो जल्दी माफी मांगो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैं कोई माफी नहीं मांगूंगी। ओह नो, अब मैं क्या करूं? केक तो बर्बाद हो गया। अब मैं मैनेजर से क्या कहूंगी और मेरे डैमेजेस का क्या? क्या डैमेजेस यार, वो बस एक केक ही तो था। वो बस केक नहीं था, वो केक एक बच्चे के बर्थडे के लिए था। जरा सोचो वो कितना दुखी हो जाएगा, और उसके डैड मेरे मैनेजर की हालत खराब कर देंगे, और तुम इसका मतलब जानते भी नहीं हो। Look, I don't know and I don't care. तुम पहले ही काफी टाइम वेस्ट कर चुकी हो मेरा। ये क्या कर रहे हो? तुम ऐसे नहीं जा सकते, मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगी। यार एक केक के लिए इतनी बहस क्यों कर रही है ये? ये लो, देख क्या रही हो, ये कम लग रहे हैं क्या तुम्हें? और दूं मैं तुम्हें? अरे अब लो ना। ए, 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 क्या कर रही हो? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? छोड़ो। हिसाब बराबर। सर आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, वो मुझसे टकराने ही वाला था और घबराहट में मुझसे केक छूट गया। बस करो, क्लाइंट यहाँ पे कब से मेरे पीछे पड़ा हुआ है, बॉस से मुझे डांट पड़ चुकी है। तुम एक छोटी सी डिलीवरी नहीं कर सकती हो? निकल जाओ यहाँ से। पर मुझे परवर कुछ नहीं सुनना, निकल जाओ यहाँ से। तुम नॉर्मल इंसान बनना चाहते हो ना? मैंने कितनी बार कहा है कि मैं किसी भी पेपर में तुम्हारी कोई भी ऐसी वैसी खबर नहीं देखना चाहता। फ्रंट पेज पर हो तुम। डैड आप मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हैं? दोस्तों के साथ पार्टी करना गुनाह है क्या? आप प्लीज इतना ओवर एग्जैजरेट करके मत बताइए। और ये भी सीरियस है, मुझे अवार्ड्स मिलते हैं, मैं बिजनेसमैन ऑफ द ईयर चुना गया हूं, पर तुम जाकर लड़कियों के साथ मौज मस्ती करते हो और जर्नलिस्ट पर हमला करते हो, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। अब बहुत हो गया। सबसे पहले जब तक तुम्हारा रवैया ठीक नहीं होता तुम कार को हाथ नहीं लगाओगे। तुम्हारे क्रेडिट कार्ड्स भी मुझे चाहिए, सारे अकाउंट्स फ्रीज कर रहा हूं। तुम वोल्कन के साथ बोधरूम जाओगे और वहां जाकर हमारा नया होटल संभालोगे। वोल्कन तुम पर नजर रखेगा। डैड आप मजाक कर रहे हैं क्या? मैं अगले हफ्ते स्टेट्स जाने वाला हूं, सब तय हो चुका है राइट? अमेरिका? भूल जाओ अमेरिका वमेरिका, बोधरूम में नहीं भेजना चाहिए तुम्हें, पर ठीक है, वहां कम से कम तुम बिजी तो रहोगे क्योंकि काम करना पड़ेगा तुम्हें, समझे? डैड मुझे होटल संभालना नहीं आता। सीख जाओगे बेटा, सीख जाओगे। डैड, डैड ये आइडिया आपने उन्हें दिया ना? बुरा को मत बताना। यकीन नहीं होता, आज तो यहाँ पर मेरे काम का आखिरी दिन था। मुझे लगता है ये एक साइन है, तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए। कहाँ? बोधरूम? हाँ, वहाँ हम साथ काम कर सकते हैं। पता नहीं, हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? होटल के मालिक बदल रहे हैं, इसलिए वो लोगों को रख रहे हैं। मैं तुम्हारे लिए बात कर सकती हूँ, वो अच्छा पैसा देते हैं, एक हफ्ते में एक महीने जितना कमा सकते हैं, और साथ में टिप्स भी मिलेंगे, और बाकी कोई खर्चा नहीं, रहना खाना सब कुछ फ्री है, छुट्टी और नौकरी के साथ भी। ये मौका जाने मत दो। पता नहीं मेरी माँ का क्या होगा। हम कहीं नहीं जा रहे, वो एक शानदार होटल है, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? और वैसे भी तुम्हें पैसे चाहिए ना, तुम्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गई पर तुम्हारे पास पैसे नहीं है। हम वहाँ एक सीजन काम करेंगे, बहुत सारा पैसा बचाएंगे और फिर कॉलेज शुरू कर देंगे। तुम ठीक कह रही हो गांजा। तो अब जाओ अपनी मॉम से बात करो और मुझे बताओ। ओके, हाँ ठीक है। कितने जिद्दी है ना, अब मैं क्या करूं यार, ये सब तुम्हारी वजह से। अब इसमें मेरा क्या लेना देना, इतना परफेक्ट बेटा बनना जरूरी था क्या? अरे क्या भाई, फिक्र मत करो तुम, बॉर्डरम इतनी भी बुरी जगह नहीं है यार। मैं आराम करूंगा और तुम काम करोगे, ठीक है? हमेशा की तरह।
आज पूरे दिन कागला से बात नहीं किया, I'm sure वो गुस्सा होगी। गुड लक। फाइनली। हेलो, हाउ आर यू डार्लिंग, सब ठीक है ना? तुम्हें क्या लगता है बुरक, सुबह से इंतजार कर रही हूँ कि तुम फोन करोगे और सब एक्सप्लेन करोगे। एक्सप्लेन करूँ? हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। पेपर में सब बड़ा चढ़ा कर लिखते हैं, वो लड़की वोल्कन की गर्लफ्रेंड है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो? वोल्कन की गर्लफ्रेंड? क्या सच में? हाँ, वोल्कन हमसे पहले चला गया था। जब रिपोर्टर्स ने हम दोनों को साथ में देखा तो उन्हें लगा हम साथ हैं। जब फ्लैश चमकने लगी तो मुझे गुस्सा। बस इतना ही। बेबी, तुम्हें सच में लगता है कि मेरा उस लड़की से कोई लेना देना था? मुझे ऐसा ही लगा था, पर अब बिल्कुल नहीं लग रहा है। मैं चश्मे में हूँ और तुम इस्तांबुल में, इतनी दूर रहकर गलत फहमियाँ तो हो ही सकती है, इट्स क्वाइट नॉर्मल। अच्छा है कि अगले हफ्ते हम साथ होंगे और स्टेट्स में हम छुट्टियाँ साथ बिताएंगे। उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? कल रात डैड बहुत गुस्सा हो गए थे और मुझे स्टेट्स जाने से मना कर दिया। वो चाहते हैं कि मैं उस होटल में काम करूं जो उन्होंने बोथरूम में खरीदा था। यार, सब कुछ सिखाना चाहते हैं वो मुझे। मतलब हम स्टेट्स नहीं जा रहे हैं ना बुराक, क्योंकि तुम्हारे डैड चाहते हैं कि तुम होटल में काम करो। तुम्हें लगता है कि मैं इस झूठ में यकीन करूंगी? अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं जाना है तो मुझे बता दो, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना तुम? हे, क्या कह रही हो, मैं झूठ नहीं बोल रहा यार। सच में औरतों को समझाना बहुत मुश्किल है, पता नहीं वो किस पर यकीन करे और किस पर नहीं। तुम यहाँ? आंखें खोल कर चला करो ना, क्या कर रही हो? ऐसा फिर से नहीं होगा बेवकूफ कहीं के, तुमसे टकराने से अच्छा खाई में गिरना पसंद करूंगी, समझे? जाओ ना साइको। यकीन नहीं होता तुम आ गई, मुझे भी नहीं। गुड डे। लीजिए, तुम्हारी आईडी दो। ये लीजिए, हैव अ नाइस फ्लाइट। थैंक यू वेरी मच। मिस असल, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, आपका टिकट डबल बुक हो गया है। क्या मतलब, अब क्या करें? We are so sorry for the trouble, ma'am. ये गलती से हुआ है। वो तो ठीक है, पर अब मैं क्या करूँ? मैं आपके मैनेजर से मिल सकती हूँ? शांत हो जाइए मैम, हमारे पास बिजनेस क्लास में सीट है, वो आपको दे रही हूँ। मैं और कहीं नहीं जाना चाहती हूँ, समझी? बिजनेस क्लास दे रही है, चुप रहो। बिजनेस? ओके, ठीक है ठीक है, प्लीज होल्ड ऑन अ मिनट। मुझे पता नहीं था कि मैं इतनी लकी हूँ। Have a nice flight. Good day. Selfie. अरे लड़कियों, हमें आगे जाने दो। ये आजकल के बच्चे दिन भर सेल्फी में लगे रहते हैं। मैं कितनी खुश हूँ कि मेरी पहली फ्लाइट है और हम एक दूसरे के साथ नहीं बैठेंगे। मुझे इसी बात का तो दुख है। हम बगल वाले पैसेंजर को सीट बदलने के लिए कह देंगे। बिजनेस क्लास में कौन नहीं ट्रैवल करना चाहेगा? आओ। सॉरी, ये शायद मेरी सीट है। आप एक काम कर सकते हैं प्लीज? बिल्कुल। कर देंगे तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, ये तुम्हारी सीट नहीं है। तुम ये क्या कर रही हो? आइडिया तो तुम्हारा ही था ना ये करने का, पर तब तक मुझे पता नहीं था कि मेरे पास इतना हैंडसम लड़का बैठने वाला है। कहाँ है ये बिजनेस क्लास? वहाँ आगे है। Thank you.
सॉरी आपको इंतजार करवाया। नो प्रॉब्लम। नो वे मैन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ भी मत बोलो, मुझे कोई शौक नहीं है साथ में ट्रैवल करने का, समझे? हम एक साथ तो नहीं बैठे ना? नो वे, मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठ रहा। मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं बैठना, मुझे तो इस फ्लाइट में ही नहीं रहना है। प्लीज जाओ यहाँ से। एक्सक्यूज मी, फ्लाइट में कोई खाली सीट है क्या? आप इन्हें कहीं और बिठा सकती है प्लीज? मैं अपनी सीट क्यों चेंज करूँ, तुम कहीं और जाकर बैठो। मुंह बंद करो। सॉरी सर, सॉरी मैम, टेक ऑफ होने वाला है, आप प्लीज अपने सीट पर बैठ जाइए। वेलकम एवरीवन, टर्किश एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 397 में आप सबका स्वागत है। मैं एजे और मेरी टीम इस पूरी फ्लाइट में आपको असिस्ट करेंगे। अगर आपको कोई भी चीज की जरूरत हो तो ऊपर दिए हुए बटन को दबाइए। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज ध्यान दीजिए, अपनी ट्रे टेबल्स बंद कर दीजिए और अपनी सीट्स को अपराइट पोजीशन में कर लीजिए और अपने सीट बेल्ट्स बांध लीजिए। थैंक यू, आशा करते हैं आपकी यात्रा सुखद रहे। जगह पर बैठ सकती हूँ? नहीं, मुझे बाहर देखना था इसीलिए। नहीं, बदतमीज। क्या तुम भी बॉडरूम में काम करते हो? हाँ, मैं बारटेंडर हूँ। क्या बात है, कौन से क्लब में? ब्लू एंजल क्लब। अरे हाँ, ये लो, ये रहा मेरा कार्ड। मैं किसी दिन ड्रिंक के लिए आऊंगी। हाँ बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? गुस्सा मत हो, मैंने पहले ही सीट बदलने के लिए कहा था। ठीक है, ओके ओके, पर एक शर्त है, लैंड होने तक ना ही तुम मुझसे बात करोगी और ना ही मुझे डिस्टर्ब करोगी, बोलो मंजूर है? ओके, प्रॉमिस। दो सेकंड में अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, कांग्रेचुलेशंस। वैसे मुझे भी कोई शौक नहीं। अभी भी बोल रही हो? आई होप हम फिर कभी ना मिले। आई होप सो। Sus pus somurtmayalım. Ben yoksa ne yapayım?
कौन जाओ, यकीन नहीं होता कि हम पहुंच गए। उफ, मुझे भी। कितनी सुंदर जगह है ना। हाँ, अच्छा हुआ कि तुम मुझे भी ले आए। कितनी सुंदर जगह है। मैंने कहा था ना स्वीटी। हेलो, मैट सामान ले लो। ब्रो, जगह तो काफी अच्छी लग रही है। स्टाफ मैनेजर पूरे दिन मीटिंग में था, इसलिए बात नहीं हो पाई। वो कल सुबह उनसे मिलेगा। तो आज रात हम क्या करेंगे? अब हम आ ही गए हैं तो बेडरूम एंजॉय करना चाहिए। हाँ, उसका दिन बर्बाद कर दिया ब्रो। समझ में नहीं आ रहा, वो वर्कआउट करने आई थी या टाइम पास करने? ब्रो, कैसे हो यार तुम? कितनी हॉट थी वो? वो बेचारी ट्राई भी कर रही थी पर तुमने भाव ही नहीं दिया। तो क्या करता मैं, पागलों के जैसे उसके आगे पीछे थोड़ी घूमता। वैसे भी वो मेरे टाइप की नहीं थी। आर यू श्योर ब्रो, कोई और वजह तो नहीं है ना? क्या मतलब है, और क्या वजह हो सकती है? मुझे नहीं पता। नहीं पता मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? मतलब ये कि मेरे भाई, मुझे लगता है कि तुम डेनिस से बहुत प्यार करते हो। क्या हुआ, कुछ गलत बोला क्या मैंने? उसकी वजह से ही तुम किसी और लड़की को देखते तक नहीं मेरे भाई। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हारे जैसा इंसान नहीं हूं जो एक रिलेशन खत्म होते ही दूसरा रिलेशन बना लूं। मेरे लिए टाइम पास से ज्यादा फीलिंग्स मायने रखती हैं। मेरे लिए फीलिंग्स कोई मायने नहीं रखती, पता तो है तुम्हें। जब चाला आएगी तब ऐसा नहीं होने वाला, समझ गए? दिल पर मारा मेरे भाई। Hi, welcome. Hey, how are you? I am fine. ये मेरी तरफ से। Enjoy ladies. Thank you very much. ये क्या है? मुझे नहीं पता पर इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। बहुत यमी है, क्या मुझे एक और मिलेगी? हाँ हाँ, अभी लो। Thank you very much.
आसले इतना टेस्टी है, तुम पी क्यों नहीं रही हो? मुझे अल्कोहल की आदत नहीं है। कम ऑन पी लो। एंजॉय। थैंक यू। चलो आसले डांस करते, चलो ना प्लीज, चलो चलो चलो, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। सुनो, मैं जरा वॉशरूम जाकर आता हूँ। ओके, तब तक मैं ड्रिंक ले लेता। ठीक है, वहीं मिलते हैं। हेलो, यहाँ भी आ गया। ये क्या कर रही हो तुम? तुम उस आदमी के करीब मत जाना, समझी? अरे बस भी करो, तुम क्या कोई मोरल पुलिस हो? वो कुछ नहीं करेगा, हम तो यहाँ पर बस डांस कर रहे हैं ना। प्लीज मुझे एक और ड्रिंक मिलेगी? अच्छा ठीक है। ओ, उसे कोई और जगह नहीं मिली, अभी भी यही है। कहाँ चला गया? मुझे ढूंढ रही क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने मुझे डरा ही दिया था। छोड़ो, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, छोड़ो। ए, छोड़ो उसे, छोड़ो, छोड़ो उसे। मैंने कहा दूर हटो उससे। अरे ओ, छोड़ उसे, छोड़ो। खुद को समझते क्या हो? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुमने इसे मार तो नहीं डाला? शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है। ये सांस नहीं ले रहा है, मर मर गया क्या? सर, बंद करो ये सब, बंद करो। जल्दी चलो यहाँ से।
कहाँ जाना है? तुम रुकी कहाँ हो? वो मेरे पास रुकने के लिए कोई जगह नहीं है। क्या मतलब? वो होटल जहाँ हम काम करने वाले थे वो बंद हो गया और हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर मुझे काम से निकाला नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। अच्छा तो ये भी मेरी गलती है। हे तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल। तुम बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो। साइको। साइको? तुम्हें लगता है कि तुम नॉर्मल हो? बदतमीज। प्लीज लड़ना बंद करो और बताओ जाना कहाँ है। होटल मास्टर रोड। नहीं, ये कुछ ज्यादा हो गया। तुम मेरा पीछा कर रही हो क्या? कोई सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर तो नहीं हो ना? कोई जोक वोक तो नहीं है ना ये? अगर है तो प्लीज बिल्कुल फनी नहीं है। इनफैक्ट सच कहूं तो अब मैं काफी ज्यादा इरिटेट हो रहा हूं ये सबसे। मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूंगी? मैं जहां जाती हूं तुम दिखाई देते हो, तुम मेरा पीछा कर रहे हो। यार अब मुझे तुमसे क्या चाहिए होगा? आखिर तुम हो कौन? हां तुम हो कौन? स्मार्टी पैंट्स, अकड़ू, एरोगेंट, बदतमीज कहीं के। आप प्लीज साइड में रोकेंगे? मुझे उतरना है। हाँ जल्दी रोको, उतारो इसे। हाँ हाँ हम टैक्सी में। मैं क्यों उतरूं? तुम्हें उतरना चाहिए। यार देखो तुम ना डिसाइड कर लो। पहले तुम खुद उतरने वाली थी और अब कह रही हो कि मैं उतर जाऊं। मेरी शादी को 10 साल हो गए और मैं अब तक अपनी बीवी को समझ नहीं पाया हूं। हेलो, कहाँ हो तुम भाई? हाँ ब्रो मैं निकल गया, होटल जा रहा हूँ। कौन जा, तुम कहाँ चली गई थी? तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, तुम कहाँ पर हो? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। मैं टैक्सी से होटल जा रही हूँ, तुम भी टैक्सी लेकर होटल आ जाना, समझी? ओके, होटल में मिलता हूँ। Bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter.